ठीक है, उतनी ही चीजें आपको बताने वाला हूं। और आप लोगों का जवाब नहीं आएगा तो मैं कुछ चीजें तो दिमाग से निकाल देता भूल जाता हूं मैं अभी, है ठीक है। तो आपका जवाब आता रहेगा ना तो मेरे भी चीजें दिमाग में आती रहेंगी, तो मैं आपको बताता रहूंगा। तो ये बात आपके समझ में आई? अरे यस और ना बोलिए मेरे भाई, ये बात के भाई ये मेथड है, ठीक है, नॉट फॉर चैप्टर। और ये कहां कहां लगेगा, कोई से भी चैप्टर में आप लगा सकते हो, जहां जहां रेट होगी वहां वहां इसको आप लगा सकते हो। ये बात आपके पकड़ में आई या नहीं आई, आपके दिमाग में आई या नहीं, ये कोई नहीं पूछने वाला। पर हां, जब हम पढ़ रहे नहीं तो आपको मालूम होना चाहिए। कोई नहीं पूछने वाला, मुझे पता है, पर हां जब आप पढ़ रहे हो तो आपको मालूम होना जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। और आप फटाफट से बताइए मुझे ये चीज आपके समझ में आई कि नहीं आई, और आप कर सकते हो, कोई दबाव नहीं है किसी के ऊपर। यदि आप क्लास को शेयर कर सकते हो तो आप लोग विद इन सेकेंडों में आप क्लास को शेयर कर दीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, जहां पर भी आप करना चाहें, आपको जो उचित लगे आप कर सकते हो। फटाफट से ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इसका नाम मिक्सर क्यों नहीं है, मिक्सर क्यों गलत, देखना समझना और आप खुद कहोगे कि हां सर बिल्कुल सही बात है। देखो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि एक दुकानदार है, एक क्या है दुकानदार, और दुकानदार क्या है मंडी गया, ठीक है, और मंडी से वो एक 50 किलो का 100 किलो का मान लो, ठीक है, मंडी से एक 100 किलो का बोरा लेके आया, ठीक है, और वो 30 रुपए चावल का बोरा लेके आया। किसका बोरा लेके आया, एक चावल का 100 किलो का बोरा उसने खरीदा, और उसकी रेट जो थी, ठीक है, सभी भाई बहनों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, हाँ भाई, ठीक है। और जो बोरा था नहीं, सुनना आप, ठीक है, समझना मेरी बात को, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे कि मैं दुकानदार हूं, ठीक है, अब मैं मंडी गया और मैं मंडी से अनाज मंडी गया और मैं मंडी से एक 100 किलो का, एक क्विंटल का, ठीक है, 100 किलो का एक चावल का बोरा परचेज करके लेके आया, खरीद के लेके आया, और उस चावल के बोरे का जो मूल्य था, ठीक है, वो 30 रुपए में एक किलो चावल था, 30 रुपए में क्या था, एक किलो चावल, ठीक है, उसका मूल्य कितना था, 30 रुपए पर किलोग्राम, ये एक प्रकार का चावल है, ठीक है, एक प्रकार का चावल को मैं खरीद के लेके आया हूं, ये चावल का बोरा मान लो, ये एक चावल का बोरा खरीद के लेके आया हूं, ठीक है, और इसका मूल्य कितना है मेरे भाई, 30 रुपए पर किलोग्राम, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब भाई मैं दुकानदार हूं और मैं मंडी जाके एक 30 किलो चावल का बोरा खरीद के लेके आया हूं, अब भाई मैं दुकान पर आके इसको मूल्य बढ़ाकर बेचूंगा, भाई प्रॉफिट कमाना है मेरे को, ये थोड़ी ना है कैसी बेच दूंगा, अब मैं इसको प्रॉफिट कमाऊंगा तो इसका मूल्य बढ़ाकर बेचूंगा, ठीक है, अब मैं इसका मूल्य 30 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा हूं, पर इसको कोई खरीद नहीं रहा, ठीक है, उनको पता है यार ये मंडी में 30 रुपए में आता है, अब भाई मुझे तो प्रॉफिट तो कमाना है। अब एक तरीका तो प्रॉफिट कमाने का यह है कि भाई मैं इसको 30 से बढ़ाकर मूल्य बढ़ाकर बेचूं, पहला तरीका, तो उससे मुझे नहीं बेच रहा। दूसरा तरीका क्या है, मैं कम तोलूं, तो कम आप तोल नहीं सकते क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक तराजू चल गए, आपको मालूम है कम नहीं तोल सकते आप लोग, फिर कैसे प्रॉफिट होगा भाई। पहले के जमाने में तो क्या वो नीचे लगा देते थे, वाट वगैरह चुम्बक वगैरह लगा देते थे, कम तोल देते थे, प्रॉफिट हो जाता, 800 ग्राम 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोल देते, बेईमानी वाले क्वेश्चन देखे होंगे आपने प्रॉफिट एंड लॉस में, उससे भी नहीं कर सकते आप लोग, कम नहीं तोल सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक तराजू है। तीसरा तरीका, आप इसमें सस्ती वाला चावल मिला दो फिर आपको प्रॉफिट होगा। अब आप देखो ये 30 पहले प्रकार के चावल है 30 रुपए पर किलोग्राम के हैं, कितने हैं 30 रुपए पर किलोग्राम, अब इसमें आपने दूसरे टाइप के चावल मिलाए और इन चावलों का जो मूल्य है मेरे भाई ये 20 रुपए पर किलोग्राम के हैं, कितने हैं ये 20 रुपए पर किलोग्राम, ठीक है, ये दूसरे प्रकार के चावल हैं और ये कितने चावल हैं 20 रुपए पर किलोग्राम के चावल हैं, ठीक है, ये दूसरा बोरा है और ये दूसरा बोरा 20 रुपए पर किलोग्राम का बोरा है, कौन सा बोरा है ये 20 रुपए पर किलोग्राम का, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसमें से एक मुट्ठी चावल निकाले और इसमें डाल दिए,
सस्ते वाले चावल निकाले 20 रुपए वाले और एक मुट्ठी मतलब 100 ग्राम निकाला और इसमें डाल दिया, 100 ग्राम चावल इसमें डाल दिया। अब आप ये बताओ, एक कुंटल है इसका वेट, अब एक कुंटल मतलब 100 किलोग्राम है, अब 100 किलोग्राम में आप 100 ग्राम सस्ते चावल मिलाओगे, आपको कितना प्रॉफिट होगा मेरे भाई? बहुत कम प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का नेगलेक्ट प्रॉफिट यार, मिक्सर बन गया, मिश्रण बन गया मेरे भाई, समझना मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको पकड़ना, मिक्सर बन चुका है ये। चलो ये एग्जाम तो एग्जाम्पल चावल का है, जैसा कि मान के चलो ये एक लीटर एक दूध है, ये इसमें ये 10 लीटर दूध है, प्योर दूध है, बिल्कुल प्योर दूध है, ये 10 लीटर दूध है इसमें, दूसरा एग्जाम्पल समझो, ठीक है, और इस दूध का मूल्य है 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से, बल्कि आजकल 20 रुपए में कहां दूध मिलता है मेरे भाई, कम से कम 60 रुपए पर लीटर तो होगा, 60 रुपए पर लीटर का दूध है ये। अब इसमें क्या किया एक दूध याने, ठीक है, ये पानी है, क्या है पानी, ये पानी है, ठीक है, पानी का मूल्य नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है, पानी फोकट में आता है, बिस्लेरी का पियोगे तो पैसे लगेंगे, ये 0 रुपए पर लीटर का, तो इसने क्या किया इस 10 लीटर में इसमें से क्या किया, एक गिलास पानी मतलब थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया, तो मिक्सर तो बन गया मेरे भाई, मिक्सर तो बन गया, तो इसलिए मिक्सर यहां पर इसका नाम सही नहीं है, परफेक्ट आप इसको मिक्सर नहीं कह सकते मेरे भाई, समझ में आ रही है मेरी बात, परफेक्ट आप इसको मिक्सर नहीं कह सकते, मिक्सर हो गया एलिगेशन नहीं कह सकते, तो एलिगेशन क्या है, एलिगेशन बनता है ठीक ठीक मिलाने से, एलिगेशन बनता है, मेरी बात को पकड़ना आप लोग, एलिगेशन कब बनता है, ठीक ठीक मिलाने से, मतलब ऐसा मिलाओ आप जो इसको कुछ प्रॉफिट हो दुकानदार को, मतलब ये 20 किलोग्राम के 20 रुपए पर किलोग्राम के हैं, ठीक है, अब इसमें आप 100 किलोग्राम में 10 किलो मिला दो, 5 किलो मिला दो, 6 किलो मिला दो, ठीक है, इसमें से उठाकर इसमें आप मिला दो 10 किलो चावल, सस्ते चावल मिला दो, फिर इनको आप आराम से 27 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेच लो, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, आराम से हो जाएगा मेरे भाई, भाई ये 30 रुपए पर किलोग्राम के चावल हैं, आप इसमें 20 रुपए पर किलोग्राम के 10 किलोग्राम चावल मिला दो, आपको प्रॉफिट हो जाएगा गारंटी से, आप सस्ता बेच लो, 30 से सस्ता बेच लो आप, 27 में बेच लो आप, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, 28 में बेच लो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, पर एक ठीक ठीक मिलाना है, मात्रा ठीक ठीक मिलानी है, इस 10 लीटर दूध में आप 2 लीटर पानी मिला लो, 1 लीटर पानी मिला लो, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब नोटेड पॉइंट, बिल्कुल नोट करना इस पॉइंट को कि भाई मिस एलिगेशन कब होता है, ठीक ठीक मिलाने से एलिगेशन बनता है, इस पॉइंट को नोट करना, ठीक ठीक मिलाने से, कब, ठीक ठीक मिलाने से, ठीक है, ठीक ठीक मिलाने से एलिगेशन बनता है, ठीक ठीक मिलाने से एलिगेशन बनता है, ये नोट करें, बिल्कुल कोई नहीं बताएगा ये बात, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक ठीक मिलाने से एलिगेशन बनता है, ये फोटो खींच लेना है इसका, एलिगेशन बनता है, लोगों को क्या चच्चे टीचरों को पता नहीं होती ये बातें, ठीक ठीक मिलाने से एलिगेशन बनेगा, मतलब ऐसा मिलाना है आपको, मिक्सर तो बन जाएगा पर एलिगेशन नहीं बनेगा, इसका स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो भाई ठीक ठीक मिलाने से एलिगेशन बनता है, मतलब मिलना चाहिए पर ठीक ठीक मिलना चाहिए ताकि कुछ प्रॉफिट हो, ऐसा मिलाना है कि भाई दुकानदार को कुछ प्रॉफिट हो, ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई, कि भाई इसका नाम मिक्सर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आप मिक्सर तो हो रहा है, मिश्रण हो रहा है, पर परफेक्ट इसका नाम एलिगेशन नहीं है, इसका एलिगेशन मेथड ऑफ एलिगेशन है, मिक्सर इसका परफेक्ट नाम नहीं है, इसका नाम क्या है, आप क्या बोलोगे हमेशा, कभी भी आज से आप मिक्सर हटा देना, क्या बोलोगे, मेथड ऑफ एलिगेशन, दिमाग में क्या रखोगे, मेथड ऑफ एलिगेशन है इसका नाम, और ये कब बनता है, ये ठीक ठीक मिलाने से बनता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ये कब बनता है मेरे भाई, ठीक ठीक मिलाने से एलिगेशन बनता है,
क्लियर? तो ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, यस और नो बोलिए, फटाफट बोलिए आप कुछ एक्स्ट्रा सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे। आज तक पढ़ रखा होगा आपने, खूब क्वेश्चन लगा रखे होंगे, क्वेश्चन बन भी जाते होंगे, पर कुछ चीजें आज भी आप पे नहीं आती हैं। क्योंकि और सीधी सी बात है, जब तक आप किसी टॉपिक की गहराई तक नहीं जाओगे ना, तो आपको हमेशा बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। और यदि आप उसकी गहराई तक पहुंच गए, तो आपको लगेगा कि यार इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो हम बार बार इसको पढ़ें। एक बार अच्छे से पढ़ लो, प्रॉब्लम सॉल्व। समझ रहे नहीं आप लोग? ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि भाई एलिगेशन जो बनता है नहीं, ये ठीक ठीक मिलाने से। हाँ भाई बिल्कुल लक्ष्मी नारायण जी, हाँ समझ में आया। ठीक है, तो एलिगेशन जो बनेगा वो ठीक ठीक मिलाने से बनेगा, दिमाग में बिल्कुल फीड रखिएगा बात। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी के? ठीक है, और ये कहाँ लगता है एलिगेशन, मेथड ऑफ एलिगेशन है ये, और ये कहाँ लगेगा, जहां जहां दर होगी, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे रेशो प्रोपोगेशन हो, चाहे और कोई सा भी चैप्टर हो, ठीक है, और जहां जहां रेट होगी वहां वहां लगेगा। ठीक है, ये आपको मैंने समझाया है, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। आज काफी दिनों बाद आपकी क्लास हो रही है, तो कुछ बच्चे हैं कुछ नहीं है, क्योंकि अभी मेरी 3-4 दिन से तबीयत भी खूब खराब हो गई है। ठीक है, फिर भी मैं हाँ भाई मनीष वर्मा बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, अब इसमें देखो चार बातें होती हैं, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड, और ये इन दोनों से मिलकर ये तीसरा बनेगा, इन दोनों से मिलकर ये तीसरा बनेगा, और ये इनका अनुपात होगा। ये चार बातें होती है इसके अंदर। ठीक है, ये चार बातें होती हैं, पहली दूसरी, मैं इनको डब्बे में ही लिख देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, ये अनुपात है। चार बातें होती हैं। ठीक है, अब इन चार में से तीन आपको देगा, एक आपसे पूछ लेगा, तीन आपको देगा, एक आपसे पूछ लेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, अनुपात पूछ लेगा, या फिर अनुपात दे देगा, ये तीसरा दे देगा, दूसरा दे देगा, पहला पूछ लेगा, या फिर पहला दे देगा, तीसरा दे देगा, चौथा पूछ लेगा। ठीक है, अब ये होता क्या है, जैसे कि मान के चलो यहां पर ये रुपए पर किलोग्राम है, और ये भी क्या है, रुपए पर किलोग्राम। ठीक है, ये दोनों रुपए पर किलोग्राम, रुपए पर किलोग्राम है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, मैं इनको भीतर ही लिख रहा हूं, इसमें आपसे ही पूछूंगा और आपका जवाब भी मिलना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, ये रुपए पर किलोग्राम है, क्या है ये, रुपए पर किलोग्राम, और ये भी क्या है यहां पर, रुपए पर किलोग्राम। तो आप मुझे बताओ इन दोनों से जो बनेगा ये क्या होगा, ये भी रुपए पर किलोग्राम होगा, ध्यान रखना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा इसके में, ध्यान रखना। ये यदि रुपए पर किलोग्राम है तो ये भी रुपए पर किलोग्राम होगा, ध्यान रखना। ये दोनों जिनकी जो, इन दोनों की जो यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी। ये यदि रुपए पर लीटर में है तो ये भी रुपए पर लीटर में होगी। ठीक है, ये यदि रुपए पर किलोग्राम में है, ये भी रुपए पर किलोग्राम में होगा। ये किलोमीटर पर आवर में, तो ये भी किलोमीटर पर आवर में होगी। ये मीटर पर सेकंड में, तो ये भी मीटर पर सेकंड में। कहने का मतलब जो ये दोनों वस्तुएं होंगी वही उन दोनों से मिलकर वो भी यही बनेगी, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। पर आप मुझे बताओ ये अनुपात किसके अनुसार होगा, ये क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप कर रहा हूं। ये जो रेशो बन रहा है ये किसके अनुपात में होगा, ये किसके व्याप पे होगा, ये बताइए आप लोग। हाँ भाई ये बताइए आप,
ये आपको बताना है, बोलिए आप, ये समझ में, बोलिए ये अनुपात किसका हुआ ये बताइए आप, ये जो रेशो बनेगा ये किसका हुआ। हाँ भाई, जय हिंद भाई, जय हिंद। दिग्विजय सिंह जी राठौर, हाँ बोलिए मेरे भाई, कुछ तो बोलिए, हाँ ना तो बोलिए। ध्यान रखना, ये जो रेशो बनेगा ये रेट के अनुसार होगा, जिसके बिहाफ पर रेट होगी। ठीक है सर, एक और दो की, वेरी गुड रविश कुमार, यस सर। ठीक है, देखिए ध्यान रखना, ये जो अनुपात बनेगा जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो आप उसके अनुसार होगा, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, जिसको किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो आप, किलोग्राम, तो ये किलोग्राम का अनुपात होगा। ध्यान रखना, यदि यहां पर ये लीटर होता तो ये लीटर के, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो उसका अनुपात होगा, जिसके रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो उसका अनुपात होगा। ठीक है, यहां पर लीटर होगा तो ये लीटर बनेगा, ये